तैयारी के स्तर पर अगर हम बात करें जी तो इसके स्तर पर कुछ व्यक्तियों के इस प्रकार के भी संदेश आते हैं कि 10वीं के बाद में क्या करें, 12वीं के बाद में क्या करें या कॉलेज के बाद में क्या करें। जी तो इस स्तर पर मैं युवाओं को यही कहना चाहूंगा कि 10वीं के बाद से किसी भी प्रकार की परीक्षा के बारे में ना सोचें, क्योंकि 10वीं के बाद में आप अपनी 11वीं 12वीं पर फोकस करें। कोई भी अच्छे प्रतिष्ठित कॉलेज, अच्छे प्रतिशत मार्क्स के साथ उत्तीर्ण होकर कोई भी प्रतिष्ठित कॉलेज से कोई भी स्ट्रीम में आप अपना स्नातक कर सकते हैं, चाहे वो बीटेक है, चाहे वो बीए है, चाहे एमबीबीएस है, बीकॉम है, किसी भी स्तर पर। क्योंकि यूपीएससी में इस प्रकार की कोई भी डिमांड नहीं है कि आप कोई भी एक बीए से करो या फिर किसी भी तरीके से किसी विषय में आप उत्तीर्ण हो। दूसरी बात यह है कि जहां तक यूपीएससी का सवाल है तो 70-80% इंजीनियर आते हैं, डॉक्टर्स भी काफी संख्या में उत्तीर्ण होते हैं। तो इस बात को लेकर कोई भी शंका या संशय मन में ना रखें कि केवल कला वर्ग में ही आप उत्तीर्ण होकर या फिर प्राइवेट स्तर पर आप स्नातक करके आप इस परीक्षा को पास कर सकते हैं जिसमें आपको लगता है कि आपका स्वभाव इस संकाय की तरफ जा रहा है, तो उसमें आप उत्तीर्ण हो, अच्छे से उसको उस सब विषय को पढ़ें। क्योंकि यूपीएससी में एक वैकल्पिक विषय भी होता है, तो अगर आप उसमें पढ़ेंगे तो उस वैकल्पिक विषय के स्तर पर भी आप उस विषय का चयन कर सकते हैं जिसमें एक आपने शिक्षा ग्रहण किया। तो और इसमें परीक्षा के स्तर पर अगर आप शुरू में प्रारंभ करना चाहते हैं तो कॉलेज के स्तर पर एक आप अपने कुछ मित्रों का समूह बना सकते हैं, जिसमें शुरुआत के 1-2 साल तो अगर नहीं बनाएंगे तो ज्यादा बेहतर होगा। आप कॉलेज में जो एक्स्ट्रा करिकुलर एक्टिविटीज हैं उसमें पार्टिसिपेट करें, अपने व्यक्तित्व को बहुआयामी बनाने का प्रयास करें, जिसमें खेल में आप हिस्सा लें, किसी अन्य जो सांस्कृतिक गतिविधियां उसमें आप हिस्सा लें, ताकि आपकी जो व्यक्तित्व है वो बहुमुखी और बहुआयामी बने। क्योंकि यूपीएससी में जब साक्षात्कार होता है तो उसकी भी डिमांड वो यही देखते हैं कि व्यक्ति कितना बहुआयामी है और किन किन परिस्थितियों में किस प्रकार से वो रिएक्शन दे सकता है, तो ये भी एक उनका क्राइटेरिया होता है। तो इस प्रकार से जब आप व्यक्तित्व को ढालेंगे तो आप जब अपना स्नातक पूर्ण करेंगे या फिर आपने मास्टर्स किया है तो वो पूर्ण करेंगे, तो आप एक ऐसा व्यक्तित्व अपने विकसित कर लेंगे जो कि यूपीएससी के लिए एक जो शर्तें हैं, अर्हताएं हैं, वो पूर्ण करता हूँ। तो मैं समाज के युवाओं को यही संदेश देना चाहूंगा कि किसी भी विषय से अपनी जो बीए है, मास्टर्स है, वो पूरी करें, उसके बाद में यूपीएससी में आए। और अगर वो कॉलेज से स्टार्ट करना चाहते हैं तो कॉलेज के अंतिम वर्ष में वो प्रारंभ करें, और जो एनसीईआरटी की किताबें हैं हर विषय की, चाहे वो राजनीति विज्ञान है, चाहे वो अर्थशास्त्र है, चाहे वो इतिहास है, चाहे वो भूगोल है, उन सभी की जो एनसीईआरटी हैं उनको पढ़ना स्टार्ट करें और उनको उन पर कमांड हासिल करें। ये आपको पता हो कि अगर इस पेज पे ये जानकारी है तो अगले पेज पे किसी के जो विगत वर्षों के प्रश्न पत्र हैं उनको आप दिमाग में रखें, उसके सिलेबस को दिमाग में रखें कि यूपीएससी किस प्रकार का इसका सिलेबस है और किस प्रकार के प्रश्न यूपीएससी पूछता है। तो फिर आप जब तैयारी करेंगे तो उन प्रश्न पत्रों के हिसाब से ही आप अपनी तैयारी के स्तर को नई धार दे पाएंगे। तो इस प्रकार से अगर आप तैयारी करेंगे, उनको बार बार रिवाइज करना है, और जब वो पूर्ण हो जाए तो उसके बाद में कॉलेज से निकलकर आप एक फुल फ्लेश्ड स्तर पर आप तैयारी शुरू कर दें। तो इस तैयारी का मतलब परिणाम ये होगा कि आपका जो नीम की ईंट है वो पहले से मजबूत होगी, और जब नीम की ईंट मजबूत होगी तो आपका जो भवन है वो भी मजबूत होगा। तो इस स्तर से आप तैयारी शुरू करें। प्रारंभिक परीक्षा के लिए जो एनसीईआरटी है उन पर फोकस करें। जो मुख्य परीक्षा है उसमें कुछ अन्य विषय भी आते हैं, जैसे विश्व इतिहास है, उसकी भी एनसीईआरटी उपलब्ध है, तो उसको भी आप कुछ जब ग्रेजुएशन के स्तर पर कुछ बार पढ़ सकते हैं। बाकी विषय जैसे भारतीय समाज है या फिर आंतरिक सुरक्षा है या फिर अंतर्राष्ट्रीय संबंध है, तो उसके लिए आप स्पेशल जो भी नए साधन है, नवाचारी साधन है, जैसे आज का टाइम सूचना बहुत सारे लेक्चर व्याख्यान उपलब्ध हैं, तो उनकी आप मदद लीजिए, गूगल की मदद लीजिए, ऑनलाइन अखबार पढ़ लीजिए। तो ये सारी नवाचारी उपागम भी समाज को अपने जो एक कम्फर्ट जोन होता है उससे ऊपर उठकर उनको उनके स्तर पर भी प्रयास करना होगा, तभी वो एक, क्योंकि हर दिन हर परीक्षा डायनेमिक होती जा रही है, वो हर उनका हर साल स्तर उनका बढ़ता जा रहा है, तो उनको भी, युवाओं को भी अपना स्तर निरंतर अपडेट करना पड़ेगा। तो जब वो ऐसा करेंगे तो निश्चित रूप से उनकी सफलता तय है, क्योंकि कोई भी परीक्षा है, चाहे यूपीएससी ना माने, कोई भी परीक्षा है वो आज के समय उसमें प्रतिस्पर्धा का स्तर बहुत उच्चा है, तो उसमें हमें जो मेहनत है वो भी बहुत उच्च करनी होगी। और जो भी आपका लक्ष्य है, मैं ये नहीं कहूँगा कि जैसे मेरा यूपीएससी में क्लियर सिलेक्शन हुआ है तो मैं ये नहीं कहूँगा कि समाज की युवा यूपीएससी में जाए,
उनकी जो भी रुचि है, किसी को अगर चिकित्सक बनना है, डॉक्टर बनना है तो वो डॉक्टर में जाए, किसी को शिक्षक बनना है तो शिक्षक के लिए तैयारी करे, किसी को चाहे इंजीनियर बनना है, किसी को आईटी कंपनी में जाना है। मतलब मैं चाहता हूँ कि समाज का हर युवा हर क्षेत्र में प्रगति करे, ताकि किसी भी एक परीक्षा को पकड़ कर उस पर स्ट्रिक्ट रहने के बजाय जिसमें रुचि है उस रुचि को वो पूर्ण करेगा। तो अगर किसी रुचि के विषय में कोई व्यक्ति जाता है तो उसमें वो बहुत बेहतरीन काम कर पाएगा। तो ये संदेश मैं समाज के हर एक युवा को देना चाहूंगा।